मिलीगले हनीप्रीत डेरा मुख्य राम रहीम को अति निकट एवं अति घनिष्ठ कहा हनीप्रीत को पाइगले गणमाध्यम अगस्त 25 रु पुलिस को चकमा दे चली हनीप्रीत दुईट गणमाध्यम को देखते साक्षात्कार आज पुलिस बा कोर्ट में आत्मसमर्पण करिपारंती हनीप्रीत तेरे देशद्रोह मामलें अभियुक्त हनीप्रीत कहते से निर्दोष जीवन में एक पक्षी मारि नथिबा हनीप्रीत किपरी देशर शत्रु बोली प्रश्न करिछन्ते से पिता गुरमीत को संपूर्ण निर्दोष बोली दर्शाई हनीप्रीत मानसिक भारसाम्य हर किछि दिन से आत्मगोपन करिथिबा कहिछन्ते डेरा हिंसा पछरे तांकर बा गुरमीत को संपर्क नथिबा कहिछन्ते से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो आपने हनीप्रीत को देखा है वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है। हनीप्रीत को एक इस तरह से प्रेजेंट किया है कि भी वो मुझे खुद को भी डर लगने लग गया उससे। मैं इतने डर के साथ आगे बढ़ी हूं आज कि वे इस टाइम एक मेरी मेंटल स्थिति को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या हूं। मेरे को जो एक देशद्रोही का जो डाला है वो बिल्कुल ही जब आप देखेंगे कि आपने पूरी सिचुएशन की तरफ आप ध्यान दें मुझे समझ नहीं आता ये मतलब एक बाप बेटे के रिश्ते को उछालने की इतने पवित्र रिश्ता होता है। मुझे बताइए एक बाप बेटी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है उसको उछालना इतनी बुरी तरह से मेरा मेन डर का कारण ये था कि इन्होंने एक हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया एक बाप बेटे के रिश्ते का इतना तार तार किया। मैं पूछना चाहूंगी एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ नहीं रखता। मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी ये भी जो कानूनी करा हमें पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है कैसे हमने क्या करना है जैसे मुझे मिला और जैसे मुझे समझ आई जैसे मुझे किसी ने गाइड किया क्योंकि सारे चीज तो हमारे लिए जब पापा चले गए तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद जैसे हमें किसी ने गाइड किया मैं आगे आई मैं दिल्ली गई जैसे जैसे समझ आई और जैसे अब आगे जाके अपना अब फिर हरियाणा पंचायत हाईकोर्ट में भी जाऊंगी और अपना वो करूंगी। पापा जी के जो भलाई वाले मानवता भलाई के कार्य तो किसी ने नहीं दिखाए। नरकंकाल मिले जो शोषण किया जो दो लड़कियां वो मिली कह रही हैं जो आपका जो मेरे पापा बेगुनाह हैं और आने वाले टाइम में देखना वो सामने आएगा जो उनपे हुआ है। हम आगे जाएंगे आगे हम करेंगे आगे का करेंगे और उसपे मेरे पापा बेगुनाह आएंगे। जो दो लड़कियां जो सामने आई नहीं जो हजारों लड़कियां उनकी सुनवाई नहीं होगी बिना चिट्ठी जो एक मिली है चिट्ठी के बुनियाद पे भी कभी ऐसा कुछ होता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि भी मैं अपने इस मौलिक अधिकारों का करके और मुझे न्याय जरूर मिले।